दोस्तों इंस्टाग्राम में अभी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, जिस जैसे कि अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम मैसेज से बात कर रहे हैं, तो आप पूरा कुछ लिख देते हैं, क्या हाल है या कुछ भी, तो आपको पूरा लिखने पड़ता है। लेकिन अभी इंस्टाग्राम में एक बहुत ही ज़्यादा न्यू फीचर आया है कि आप जो क्या हाल है उसके बदले में ये यहाँ पर सेव कर देंगे, तो ये सिर्फ डालेंगे वहाँ पर क्या हाल है वो चला जाएगा। आप ये वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ किस तरह ये प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो में दो मिनट सिर्फ बने रहिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, बहुत ही ज़्यादा यूनिक अपडेट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाना इस तरह। यहाँ पे देखिए मैंने आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अपना इंस्टाग्राम यहाँ से ऑन कर लिया है। अब आपको यहाँ से मैसेज का जो आइकन है इसके ऊपर मैं जाता हूँ। इसके ऊपर जाने के बाद हम किसी को यहाँ से मैसेज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए इनको ही मैसेज करते हैं, कोई भी कुछ भी लिखते हैं। अगर हम यहाँ से लिखते हैं क्या हाल है, यहाँ पर देखिए क्या हाल है मैंने लिखा, तो मुझे पूरा वर्ड लिखने है। यहाँ देखिए मैंने पूरा वर्ड लिखा है क्या हाल है। अब यहाँ से मैंने इनको सेंड कर दिया। इसको सेंड करने के बाद ये पूरा मेरे को लिखना पड़ गया है। लेकिन आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ओनली आपको ABCD लिख कर ये पूरा क्या हाल है चला जाएगा। ये कैसे होगा ये देखिए, आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपके प्रोफाइल का जो आइकन है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैसेज टूल का ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए वेलकम मैसेज और यहाँ पे सेव रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो हम सेव रिप्लाई के ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से प्लस वाले आइकन पर हम एक बार क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए शॉर्टकट और यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। शॉर्टकट में आपको एक वर्ड डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ और ए में डाल के यहाँ पे मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ क्या हाल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया क्या हाल है। इसको लिखने के बाद यहाँ से मैं सेव कर दूँगा। अब यहाँ से मैं जैसे इसको सेव करता हूँ मैसेज में मैं ए डालूँगा तो ये क्या हाल है चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिर से प्लस वाले पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर से यहाँ से बी लिख देता हूँ, क्योंकि आप फिर से ए लिखेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे एक बार यूज कर लिया है। अब आपको यहाँ बी लिखना होगा, नहीं तो सी नहीं तो डी। मैं बी लिखता हूँ और यहाँ पर मैसेज में लिख देता हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको भी यहाँ से सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे मैसेज में मैं चले जाता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। यहाँ पे फिर से मैसेज में जाता हूँ, फिर से इस जो IDH को ओपन करता हूँ। अब यहाँ से मैं फिर से यहाँ पे ये जो डाला था वो डाल सेंड कर देंगे। यहाँ से बी सेंड कर दें। ए में हमने लिखा था क्या हाल है और बी में मैंने लिखा था क्या हो रहा है। तो जैसे हम देखिए छोटा ए लिखा था तो छोटा ए लिख कर यहाँ से सेंड कर देना है। जैसे ये सेंड होगा तकरीबन आपको 5 सेकंड वेट करना होगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्या हाल है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल है लिख के आ चुका है। अब हम यहाँ से देखिए फिर बी डाले थे, फिर हम छोटा बी यहाँ से सेंड कर देते हैं। इसको जैसे हम सेंड करते हैं तो हमें फिर से 5 सेकंड वेट करना होगा, फिर से हम 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे लिख के आ रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसे करके आप शॉर्टकट यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख के चला जाएगा क्या हो रहा है या क्या कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो लिख के आप वहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम इसे यूज कर सकते हैं आपको, और बोल कर भी आप इसको यहाँ से सेंड कर सकते हो। अब ये तो लिख कर आप बोल कर भी सेंड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आपको उम्मीद है कि आपको ये जो अपडेट है बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा होगा, आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे इनेबल करना है। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं इसी न्यू अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।